फ्रेंड्स, मैं शालिनी स्मार्ट शॉपर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल किचन अप्लायंस प्रेस्टीज कुकटॉप लेकर आई हूँ, जिसे मैंने अमेजोन से मंगवाया है। यह इस तरह के बॉक्स में आया है। आज की वीडियो में आप इस इंडक्शन कुकटॉप के फीचर्स, उसके सभी फंक्शंस, यूजेस और उसे किस तरह से इस्तेमाल करें ताकि आपका कुकटॉप लंबे समय तक वर्क करे, ये सभी कुछ डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है प्रेस्टीज कुकटॉप। इसमें 1 मीटर वायर अटैच्ड है, जिसमें 10 एम्पियर 3 पिन प्लग लगा हुआ है। ये इसकी यूजर मैनुअल है। यूजर मैनुअल को साइड में रखते हुए जल्दी से इसके फीचर्स को देख लेते हैं। ऊपर ये ब्लैक टॉप है जो सेरेमिक का है। एंटी मैग्नेटिक वॉल है, मींस इसका सेंटर पोर्शन ही गर्म रहता है, बाकी का पोर्शन ठंडा रहता है। नीचे ये कंट्रोल पैनल है, बीच में डिस्प्ले स्क्रीन है। पावर ऑन होने पर डिस्प्ले स्क्रीन में लाइट ब्लिंक होती है। ये साइड में प्लस माइनस बटन दिए गए हैं, जिसकी हेल्प से आप बटन्स की पावर को बढ़ा या घटा सकते हैं। नीचे साइड में पावर बटन दिया गया है, साथ में ही डिफरेंट कुकिंग मोड बटन्स दिए गए हैं, जिनका फंक्शन मैं डिटेल में आगे बताऊंगी। पीछे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ एक कूलिंग फैन दिया है, जो इसके सिस्टम को ठंडा रखता है। ऊपर की तरफ एयर वेंट है, गर्म हवा को बाहर फेंकने के लिए। ये 4 रबर पैड हैं इस कुकटॉप को स्टेबल रखने के लिए। चलिए आप कुकिंग मोड बटन के फंक्शंस को डिटेल में जानते हैं। प्लग मैंने सॉकेट में लगा दिया है। देखिए, ये डिस्प्ले स्क्रीन में लाइट ब्लिंक हो रही है। अब मैं पानी से भरा हुआ ये फ्लैट सरफेस का बर्तन इसके सेंटर में रखूंगी, पावर ऑन करूंगी। देखिए, पावर ऑन करते ही ये बाय डिफॉल्ट प्रेशर कुक मोड बटन में सेलेक्ट हुआ हुआ दिखता है। साथ में डिस्प्ले स्क्रीन में इसकी पावर 1100 वोल्ट को शो करता है। प्लस माइनस बटन की हेल्प से आप इसकी पावर को कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैक्सिमम 1200 वॉट और मिनिमम 100 वॉट कर सकते हैं। यह दूसरा चपाती मोड बटन है। इस मोड बटन की हेल्प से आप यहाँ पर तवा रखकर डोसा चपाती बना सकते हैं। देखिए, इसके सेलेक्ट करने पर डिस्प्ले स्क्रीन में ये DC लिखा हुआ आता है, इट मीन्स ये डोसा चपाती मोड सेलेक्ट हुआ हुआ है। इसकी पावर को आप प्लस माइनस बटन की हेल्प से घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। टाइमर सेट बटन, इसके फंक्शन मैं आगे बताऊंगी। प्रेशर कुक मोड बटन, जिसका मैं फंक्शन बता चुकी हूँ। नेक्स्ट करी मोड बटन, इस मोड बटन की हेल्प से आप सब तरह की करी बना सकते हैं। देखिए, इस बटन को दबाने से डिस्प्ले स्क्रीन में ये 800 वॉट इसकी पावर शो करता है। प्लस माइनस बटन की हेल्प से आप इसकी पावर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट इडली मोड बटन, इस बटन की हेल्प से आप इडली बना सकते हैं। देखिए, इसको सेलेक्ट करने पर डिस्प्ले स्क्रीन में ये 10 शो कर रहा है, ये इसके टाइम को शो कर रहा है 10 मिनट। इसके टाइम को आप प्लस के बटन की हेल्प से बढ़ा सकते हैं। देखिए, प्लस दबाने से ये टाइमर सेट अपने आप हो गया। माइनस बटन की हेल्प से आप इसकी टाइम को डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट डीप फ्राई मोड बटन है। इस मोड की हेल्प से आप अपने फूड को फ्राई, डीप फ्राई कर सकते हैं। बटन को दबाने से देखिए डिस्प्ले स्क्रीन में 200 टेम्परेचर शो हो रहा है। इसके टेम्परेचर को आप प्लस माइनस बटन की हेल्प से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे आप 70 डिग्री से 220 डिग्री टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हीट मिल्क मोड बटन, इस मोड बटन की हेल्प से आप दूध को बॉईल कर सकते हैं। देखिए डिस्प्ले स्क्रीन में ये 20 मिनट शो कर रहा है। इसके टाइम को आप 1 मिनट से 3 आवर तक बढ़ा सकते हैं। प्लस बटन दबाने से ये टाइमर सेट में सेलेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट कीप वार्म मोड बटन। इस मोड में आप अपने फूड को गर्म रख सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने पर डिस्प्ले स्क्रीन में 60 डिग्री टेम्परेचर शो करता है। इसके टेम्परेचर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे पार्टी में आपको अपने कोई सब्जी गर्म रखनी है तो आप इस मोड की हेल्प से कर सकते हैं। यह सौते मोड बटन है। इस मोड को आप सूखी सब्जी बनाने में जिसमें कम तेल और ज़्यादा हीट की जरूरत होती है यूज कर सकते हैं। इसमें भी आप गैस की तरह हीट को प्लस माइनस बटन की हेल्प से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए अब टाइमर कैसे सेट करते हैं देखते हैं। टाइमर सेट आप सभी कुकिंग मोड बटन में कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको करी मोड बटन का टाइमर सेट करना है तो इसके लिए सबसे पहले करी मोड बटन दबाएंगे, फिर उसके बाद टाइमर सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस माइनस बटन की हेल्प से आप इसके टाइम को सेट कर सकते हैं। देखिए इसके बाद मैं ये टाइम सेट करूंगी। अब प्लस की हेल्प से मैंने इसका 1 मिनट टाइम सेलेक्ट कर दिया है। 1 मिनट कंप्लीट होने पर ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसको। और बीच में देखिए आप तो ये 800 इसकी पावर शो होती रहेगी, दोनों चीज़ दिखाएगा 800 और 1 मिनट। 1 मिनट जैसे ही कंप्लीट होगा ये बीप के साथ ऑफ हो जाएगा। वेट करते हैं। देखिए इस तरह से बीप से आई और बंद हो गया। इसी तरह से हम सभी कुकिंग मोड बटन के टाइमर को सेट कर सकते हैं इस टाइमर सेट बटन को सेलेक्ट करके। होप आपको कुकिंग मोड बटन्स के फंक्शंस, टाइमर सेट करना अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आपका इंडक्शन कुकटॉप ज़्यादा समय तक वर्क करे इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। कुकटॉप को हमेशा साफ, सूखी और फ्लैट सरफेस पर ही रखें। कभी भी गीला बर्तन टॉप सरफेस पर ना रखें। टॉप सरफेस क्रैक ना हो इसके लिए हमेशा कुकटॉप को ठंडा होने पर ही क्लीन करें। फैन के बंद होने पर ही सॉकेट से प्लग निकालें। यह इंडक्शन कुकटॉप बड़ा ही बेनिफिशियल है। इसमें हाथों के जलने का डर नहीं रहता है। दूसरा ये मूवेबल है, इसमें आप घर के किसी भी जगह पर ले जाकर इस पर कुकिंग कर सकते हैं। Amazon लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। होप आज की वीडियो आपको अच्छी और यूजफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।